हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाइल कंपोनेंट की। स्टाइल कंपोनेंट जिसका यूज़ बेसिकली हम हमारा टाइम बचाने के लिए यूज़ करते हैं और कोड को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर हम हमारे कोड में चलें, अगर हम हमारे कोड में आए हमारी form.css के अंदर, ठीक, तो हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे हमारे पास बटन की CSS भी है, इनपुट की CSS भी है, लेबल भी है और अदर और CSS भी है। अगर एज्यूम करें हम कि हम हमारे form.js में ओनली बटन के ऊपर कुछ CSS इंप्लीमेंट करना चाहते हैं और जब हमारा कंपोनेंट रेंडर हो तो जो अदर CSS आती है उसको हम रिमूव करना चाहते हैं, यानी जो हमें सिर्फ रिक्वायर्ड CSS है वही दिखे, वही स्टाइल आए, अदरवाइज नहीं आए। क्योंकि अगर अदरवाइज अगर कोई और CSS भी आ रही होगी तो हमारे कोड को जो डॉम होता है उसके ऊपर शो करने के लिए, जो हमारे ब्राउज़र उस पर शो करने के लिए टाइम लेगा, तो उसको हटाने के लिए क्या करते हैं, हम स्टाइल कंपोनेंट का यूज़ करते हैं। एक मेथड और भी है स्टाइल का जिसे मैं सबसे ज़्यादा लाइक करता हूँ, वो मैं अपने आने वाली वीडियो में बताऊँगा। अभी हम बात कर रहे हैं स्टाइल कंपोनेंट की, ठीक। तो हम क्या करते हैं, स्टाइल कंपोनेंट को यूज़ करने के लिए हम हमारे अगर ब्राउज़र में जाएं और अगर हम स्टाइल कंपोनेंट को सर्च करें तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे npm में इस तरीके से मिलेगी चीज़ें। यहाँ पे आप सीख सकते हो कि किस तरीके से स्टाइल कंपोनेंट का यूज़ किया जाता है और उसके आने वाली अपडेट्स को चेक कर सकते हैं। स्टाइल कंपोनेंट को इंस्टॉल करने के लिए हम यूज़ करते हैं npm i install --components, ठीक, i का मतलब इंस्टॉल। इसे क्या करेंगे हम हमारे कोड में, हमारे जो विजुअल एडिटर हैं वहाँ पे स्टोर करेंगे, ठीक है, यानी हम इसकी लाइब्रेरी को ऐड करेंगे। अब चलते हैं हम हमारे यहाँ पे कोड में। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी एप्लीकेशन को स्टॉप करेंगे और इसे जो हमने कॉपी किया था उसे पेस्ट करके रन करेंगे। स्टाइल कंपोनेंट को मैं अपने सिस्टम में ऑलरेडी पहले ही इंस्टॉल कर चुका हूँ ताकि जो बीच का जो हमारा टाइम होगा, जो इंस्टॉलेशन टाइम होता है वो ज़्यादा लगता है, तो वो नहीं हो, ठीक, उसे बचाने के लिए। अब क्या करते हैं, अगर हम हमारी फ्रंट एंड एप्लीकेशन में जाएं, अगर हम हमारे एप्लीकेशन में जाते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी कुछ एप्लीकेशन कुछ इस तरीके की दिखती है, जिस पे हम प्रीवियसली भी काम कर रहे थे, एक्सपेंस ट्रैकर, वो हमें इस तरीके की दिखती थी, ठीक। इसमें क्या था, हमारे पास बटन था जिसके क्लिक पे कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा, जिसके फोकस पे, और इसमें इस तरीके से स्टाइल आ रही थी, ठीक। ये हमारी आ रही थी style.css कॉम्पोनेंट से, जो यहाँ form.css से जहाँ पर हमने सारी css को कॉल कराया हुआ है। चलिए चलते हैं हम अपने वापस कोड में। यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि हम फॉरम जो हमारा स्टाइल कंपोनेंट है वो अप्लाई करें ताकि जो स्पेसिफिक बटन की CSS है वो यहाँ पे अप्लाई हो सके, ठीक। उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम सबसे पहले इंपोर्ट करेंगे फॉरम स्टाइल, ठीक, फ्रॉम कौन सा स्टाइल कंपोनेंट, हमारे पास कौन सा कंपोनेंट है, style.styled-components, ये थी जिससे हम निकालेंगे फॉरम स्टाइल निकाल लेते हैं, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने, आप कोई भी नाम ले सकते हैं यहाँ पे। अब क्या करते हैं, हम यहाँ पे कॉन्स्ट का यूज़ करते हैं, ठीक। कॉन्स्ट में हम यह वेरिएबल जो लेंगे उसे हम कंपोनेंट की तरह यूज़ करेंगे, ठीक। कैसे, सपोज करो अगर हमें बटन लेना है तो हम क्या करेंगे, बटन का बी कैपिटल रखेंगे और बाकी स्मॉल ले लेंगे, जैसे कि हम कंपोनेंट को बनाते थे, ठीक। यहाँ पे अब हम फॉरम स्टाइल लेंगे और डॉट करके यहाँ पे बटन निकालेंगे, ठीक। जो हमारा ये स्टाइल कंपोनेंट होता है इसके अंदर हमें सारी HTML मिलती है, चाहे वो एंकर हो, चाहे वो डिव हो, या फिर बटन हो, इनपुट हो, कुछ भी आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, ठीक। सपोज करो अगर मैं डॉट प्रॉपर्टी लगाता हूँ और बटन के लिए बी दबाता हूँ तो देखो आपको यहाँ पे सब कुछ मिलेगा, बेस, बॉडी, बटन, ठीक है। तो हमें बटन चाहिए था तो हमने बटन उठा लिया, ऐसे ही आप कुछ भी ले सकते हैं।
इसके साथ हम क्या करते हैं, स्पेशल करेक्टर लगाते हैं, स्पेशल करेक्टर सॉरी, स्पेशल जो हमने यूज़ किया था सिंटैक्स वो यूज़ करते हैं, कौन सा, बैकटिक्स का। ठीक, बैकटिक्स का यूज़ करते हैं। इस बैकटिक्स के साथ जो हम ये यूज़ कर रहे हैं, ये इसको हम बोलते हैं अटैक टेम्पलेट। ठीक, अटैक टेम्पलेट और अटैक लिटरल बोलते हैं इसको। ठीक, और ये तो हमारा, हमने बताया था आपको अपने प्रीवियस वीडियो में कि इसे बैकटिक्स बोलते हैं। अब क्या करते हैं, अब हमारे फॉरम डॉट सी एस एस में जाते हैं और जो बटन की सी एस एस थी उसको यहाँ से कट कर लेते हैं। ठीक, सेव कर देते हैं। नाउ अब चलते हैं फॉरम डॉट जी एस में, हमारी जहाँ पे थी इसको यहाँ पेस्ट करते हैं। अब हमने हमारे बटन के ऊपर यहाँ पे जो भी स्टाइल कंपोनेंट होते हैं, यहाँ पे हम कोई ना, हमारे पास कोई क्लास होती है ना आईडी होती है, नथिंग एल्स। ठीक, तो हम इस क्लास को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, इस क्लास को यहाँ पे हम अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें क्या होता है, जो भी सी एस एस यूज़ होती है वो डायरेक्टली यूज़ होती है इस तरीके से। ठीक, इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये सी एस एस कोर्स नहीं है, इसीलिए इस चीज़ को हटाने में यहाँ पे फ़ायदा है, मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। इन शॉर्ट बस आपको ये बता सकता हूँ कि इसके लिए हम टॉप पे रूट डिफाइन करते थे और ये वेरिएबल्स था, ये लेटेस्ट सी एस एस का एक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अभी हम इसको हटा देते हैं और आगे चलते हैं। अब सपोज करो अगर किसी बटन पे हमें एच ओवर पे या फोकस पे हमें कोई चीज़ अप्लाई करनी है, तो हम क्या करते थे, डॉट बटन की क्लास कॉलन फोकस लिखते थे। बट यहाँ पे इस तरीके से ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी, क्या करना पड़ेगा हमें, जो डॉट बी टी एन है, यहाँ पे हमने क्लास भी यूज़ नहीं कर पाए थे, तो डॉट बी टी एन की जगह हमें क्या करना पड़ेगा, एम परसेंट का यूज़ करना पड़ेगा। ठीक, चाहे हम अब कुछ भी यहाँ पे लगाएं, कोई भी क्लास उस बटन पे अगर कुछ भी परफॉर्म करना है तो हमें एम परसेंट का यूज़ करना है। ठीक, चलिए इसको सेव करते हैं। अब क्या था, हमने क्या बोला था कि जो ये हमारा बटन है इसका यूज़ हमें कॉम्पोनेंट के जैसे करना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इस बटन को कॉपी किया, जो हमारा बटन था उसको हम रैप करेंगे इसको एज अ कॉम्पोनेंट। ठीक, इस बटन को तो हम हटा देंगे और इसको एज अ बटन रैप कॉम्पोनेंट कर देंगे। अब ये जितनी भी इसके अंदर क्लास होती है या कोई ये जो एड टेक्स्ट होता है, लेबल होता है, ये ऑटोमेटिकली स्टाइल कॉम्पोनेंट ले लेता है। ठीक है, इसमें आपको कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती, प्रॉप्स प्रॉप्स इस तरीके से ऐड नहीं होती जैसे हम नॉर्मल कॉम्पोनेंट में करते हैं। अगर अब इसको हम सेव करें और चलाएं, प्लस अगर अब हम जाते हैं अपने ब्राउज़र में, तो हम क्या देखेंगे कि ये हमें इस तरीके से स्टाइल मिल गया। ठीक, अगर हम इसको इंस्पेक्ट एलिमेंट करके देखें बटन को, तो हमें क्या दिखेगी, इस पर क्लास दिखेगी वो जो डायनेमिकली बनती है। ठीक, ये देखो डायनेमिक क्लास मिलेगी आगे। ठीक, ये क्लास हमने लगाई नहीं थी, लिए अपने आप ऑटोमेटिकली आ गई, तो ये क्या होती है, एक यूनिक क्लास होती है जो हर जगह अपने आप हर स्टाइल कंपोनेंट के साथ अलग अलग आती है। अगर आप मल्टीपल टाइम बटन का यूज़ करोगे तो यहाँ पे डिफरेंट क्लास मिलेगी आपको। ठीक, अगर अब हम यहाँ पे क्लिक करें तो कुछ भी परफॉर्म नहीं हो रहा। ठीक, अब अगर हम चलते हैं हमारे कोड में, अगेन वापस विजुअल कोड में, और यहाँ पे टॉप पे आके हम क्या करते हैं, हमारे फोकस के अंदर बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दें अगर हम। ठीक, तो और सेव करने पे हमें क्या मिलेगा, अगर हम वापस जाते हैं हमारे ब्राउज़र में, क्लिक के ऊपर देखो कुछ नहीं हुआ। अगर हमें यहाँ पे कुछ लिख दिया सपोज, अब क्लिक करता हूँ तो भी कुछ नहीं हुआ, ऐसा क्यों। चलिए चलते हैं हम वापस हमारे कोड में, देखते हैं क्या इश्यू हो गया था वहाँ पे। ओके, मैं आपको दिखाया नहीं बट मैंने क्या यहाँ पे इशू कर क्रिएट कर दिया था कि जो कलर था उसको सिर्फ दो बार लिखा था। ठीक है, जो तीन बार लिखना होता है या फिर सिक्स टाइम लिखना होता है कलर कोड को, कलर कोड गलत था।
अब मैं सपोज करो यहाँ पे कुछ लिख दिया, इसको क्लिक किया तो देखो फोकस करते ही इसका कलर चेंज हो गया। ठीक, तो इस तरीके से आप स्टाइल कंपोनेंट को अप्लाई करते हो। ठीक, चलिए चलते हैं हम अपने कोड में अगेन, एक बार फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या चेंजेस किए। हमने क्या चेंजेस किए कि हमने एक फॉर्म स्टाइल से, स्टाइल कंपोनेंट से फॉर्म स्टाइल एक ऑब्जेक्ट ले लिया, इससे हमने बटन को निकाला एज अ कंपोनेंट, उसके अंदर वैल्यूज़ को डाला। और इस तरीके से अगर हमें कुछ फोकस अप्लाई करना है तो फोकस को हमने क्या लिखा, एम्परसेंट कॉलन फोकस लिखा और इस तरीके से अप्लाई कर दिया। इस बनाए हुए कंपोनेंट को हमने नीचे कॉल करा लिया यहाँ पे हमारे बटन की जगह पे। ठीक, और क्या किया, फॉर्म डॉट सी एस एस से हमारी जो सी एस एस थी वो हटा दी। ठीक, तो क्या हो गया, जो स्पेसिफिक बटन था उसके ऊपर वो सी एस एस अप्लाई हो गई। नाउ सपोज करो अब हमें हमारे इस डिव के अंदर कुछ काम करना है और इस डिव को हटा के अपना कोड यूज़ करना है, अपना एचटीएमएल, तो वो किस तरीके से करेंगे वो हम क्या देखेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए और अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, और अगर आपको कहीं कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट ज़रूर कीजिए कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूँगा जाते जाते कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कोड मेटा चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस को आप अच्छे से देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।